मेरा नाम है फैजल मजर, आप देख रहे हैं नई ब्लॉग्स नई ब्लॉग। तो आज है रमज़ान का आखिरी जुम्मा, मतलब अलविदा। तो मैं आपसे यही मैसेज देना चाहूँगा कि घर में अपने नमाज़ पढ़ें, घर से बाहर ना निकलें, और ईद में भी अपने घर पे ही नमाज़ पढ़ें और अफ्तार बाँटें गरीब लोगों में, जितना गरीब लोग से हो सके मदद करें और अपना प्यार दिखाते रहें। इस चैनल पर मैं आगे बहुत ढेर सारे अच्छे ब्लॉग लेके आने वाला हूँ थोड़े दिन के बाद, ईद के बाद, थोड़े टाइम के बाद। तो सब्सक्राइब कर लीजिए नैनी व्लॉग्स नैनी ताल को, और अलविदा पे जो है घर में ही जुम्मे की नमाज़ जो है अलविदा की नमाज़ अदा करें, बाहर कहीं ना जाएं, ना किसी मस्जिद में जाएं, ना किसी बाहर जगह पे नमाज़ अदा करें। और ईद की शॉपिंग इस बार कैंसिल कर दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि हम ईद की शॉपिंग करें तभी हमारी ईद हो। ईद हमारी अंदर की खुशी से होती है, अंदर की खुशी सी होती है, कपड़े पहनने से या मिठाई बांटने से, इससे नहीं होती है। हाँ, हमारे अंदर की खुशी होनी चाहिए, दिल में अगर हमने मानी ईद है, हम खुश हैं दिल से कि ईद है, तो ईद मानोगे। अगर ईद नहीं मानेंगे तो आप, अगर आप कितने भी कपड़े पहन लें, जूते पहन लें या कितने भी खाने खा लें, तो ये आपकी ईद नहीं होगी। आप देख रहे थे नैनी व्लॉग्स नैनीताल, और सब्सक्राइब भी लीजिए चैनल को, बहुत ढेर सारी वीडियो आने वाली है। मेरा नाम है फैज़ अहमद, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।